बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। उद्धव गुट ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आजीवन बैन लगाने की मांग की है। उद्धव गुट के युवा सेना कोर कमेटी के सदस्य शिरडी संस्थान के पूर्व ट्रस्टी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दे दी है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। शिरडी साईं बाबा को लेकर दिए हुए एक बयान के चलते वो चौतरफा निशाने पर हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट हो, जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको लेकर आपत्ति जताई जा रही है और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ताज़ा वाक्या है, जो युवा सेना के कोर कमेटी के सदस्य हैं राहुल कनाल, उन्होंने मुंबई पुलिस और साथ ही साथ अपने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें महाराष्ट्र के अहमदनगर में आने पर रोक लगानी चाहिए। क्या है ये पूरा शिकायत, क्या है ये पूरा मामला? राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, सबसे पहले तो आपने पत्र लिखा है मुंबई पुलिस को और पार्टी प्रमुख उद्धव जी को, क्या है आपकी शिकायत पत्र में, आपने किस बात को जाहिर किया है? जी भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक्स ट्रस्टी भी रहा हूँ शिरडी साईं बाबा संस्था का, और एक भक्त के नाते मैंने जो पत्र लिखा है वो पत्र में साफ ये लिखा है कि जैसे हम हिंदुस्तान महाराष्ट्र की भूमि से आते हैं, यहाँ पे हम छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, साईं बाबा, बहुत सारे ऐसे हमारे भगवान रूपी स्वरूपी लोग हैं जिनको हम आस्था से और सच्चे दिल से मानते हैं। किसी भी बड़े के घर पर अगर आप आए और उसके बड़े उम्रदार आदमी को भी आप बुरा बोले तो उस घर वालों को बुरा लगता है, पहली बात। अगर आप एक संत महात्मा भगवान स्वरूपी के बारे में कुछ भी शब्द बोलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको 10 बार समझना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए और आपको उनकी हिस्ट्री में जाना चाहिए। क्या बाबा ने अपने जीवन में क्या कहा और क्या जिया वो जानना ज़रूरी है। आप महाराज हो या आप एक मदारी हो, ये दुनिया देखेगी। तो आपने जो कंप्लेन किया है उसमें कुछ बातों का जिक्र किया है, कानूनी कार्रवाई और प्रवेश बंदी को लेकर, क्या है ये मांग? ये मैंने जो मांग की है वो सिंपल यही मांग की है, क्या महाराष्ट्र स्टेट शिरडी जो हमारा देवस्थान है वहाँ पे इनको नहीं आने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात मैंने एक ही कही है, क्या जो इन्होंने शब्द यूज़ किए हैं वो ये शब्द यूज़ किए हैं, क्या गीदड़ के ऊपर शेर की खाल, ये लाइन आप किसी भी इंसान के लिए भी नहीं बोल सकते। और अगर आप एक महाराज हैं और जो आप आके प्रवचन देते हैं, पहले प्रवचन देने से अच्छा अपनी ज़िंदगी और अपनी वाणी और नीयत सुधारिए। दूसरी बात, जैसे कि आपने हिंदुस्तान महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हाल ही में देखा होगा कि हेटेड स्पीच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, वही बेसिस पे मैं कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके नेता के बारे में कुछ बोला जाता है तो तुरंत स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट्स हो वो अरेस्ट करती है। तो एक नेता, एक नॉर्मल इंसान के बारे में बोलने पर अरेस्ट, और इतने भगवान स्वरूपी आदमी के बोलने पर एक आदमी ने कहा, उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।